ये है 815 एंड 816, कनेक्टिंग रूम। इट्स अ कनेक्टिंग रूम। ये छोटा सा एक वो है, हाँ लॉबी टाइप। यहाँ 815 है और यहाँ 816 है। ये इंटर कनेक्टिंग रूम है, 815 इधर और 8, हाँ ठीक है। और ये थोड़ा सा एक स्पेस हो गया, ठीक है। डबल बेड है इसमें, अच्छा ओके। ये है ट्विन बेडरूम, दो बेड्स हैं सिंगल, और ये है डबल। सबसे पहले ये क्वीन वाला दिखा देती हूँ। ये एंटर हुए, यहाँ एक कॉर्नर स्पेस है, अभी हमने यहाँ लगेज रख दिया है। और ये है ड्रेसिंग, यहाँ पे मिरर, और यहाँ पर है ये ड्रिंक वाटर के लिए चार्जेस लिखे हुए हैं, अपना कॉफी एंड एवरीथिंग, मग जग, एंड यहाँ पर आपका लॉकर, और लॉकर के साथ ऊपर पिलो रखा हुआ है, आयरन बोर्ड है, ड्रायर है, वी हैव स्लिपर्स एंड व्हाट एल्स, नथिंग। ओके सो ये हमारा एक रूम का जो कबर्ड एंड ऑल ये सब है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे रूम के अंदर प्रॉपरली। तो ये वाला क्वीन बेड है, और यहाँ पर ये टेबल है स्टडी की, जो हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। टीवी यहाँ पे लगी हुई है, एंड व्यू जो है वो ये है, यहाँ से स्विमिंग पूल दिखता है। ये वाला रूम है, ये स्विमिंग पूल वाला रूम है, और ये देखो। ओके इसका जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, है ना। और वेट एरिया अलग है ही उसका। सामने ये टॉवल, ये हमारी ब्रश एंड पेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है, बट अच्छी है, हाँ पर अच्छी होटल है, मतलब बहुत सफिशिएंट साइज है, सब कुछ सफिशिएंट है इसमें। अब हम चलते हैं सामने वाले रूम में। सो अब सामने वाले रूम का ये है ट्विन बेड, और एंटर होते ही ये कॉफ़ी एंड ऑल एवरीथिंग जैसा सेम उसमें था। और कबर्ड जो है, कबर्ड के अंदर सेम लॉकर, स्लिपर, ये रूम, रूम में स्टडी, और ये इस रूम का व्यू सेम है क्योंकि बराबर से रूम है। ओके सो उसके बाद आ गया इस रूम में। सो ये हमें एक स्पेशल एडिशन लगा, ये एक सोफ़ा टीवी टाइप का रूम है, एक स्पेस मिला है जैसे शाम को चिल करने के लिए आप इस रूम में बैठ सकते हो। सो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इस रूम की, सेपरेट। अगर जैसे किसी को नींद आ रही है तो वो अपने रूम में चले जाए, और बैठना है किसी को तो वो यहाँ आकर के बैठ जाए। ये सबसे प्लस एलिमेंट लगा मुझे। सो ये था फुरामा बुकित बितांग, ये हमारा सेकेंड होटल है मलेशिया में, है ना। और इस रूम का वॉशरूम ये है, वॉशरूम काफी स्पेशियस है, काफी स्पेशियस है। बेसिक थिंग्स, कॉटन बर्ड, शावर, शावर कैप, टूथब्रश, पेस्ट। सो ये था फुरामा बुकित बितांग का ब्रेकफास्ट। फुरामा बुकित बितांग में परफेक्ट इंडियन ब्रेकफास्ट था, और एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वेजिटेरियन जो था वो पूल साइड था, नॉन वेजिटेरियन के साथ नहीं था। नॉन वेजिटेरियन कई बार ऐसा होता है, जैन लोग भी होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन के साथ रखा हुआ था वेज, तो वो नहीं खाते। सो ये देखिए, वेजिटेरियन फूड आउटसाइड था, पूल्स के पास आप बैठ करके आराम से खा सकते हो। सो लेट्स सी आज के मेन्यू में
क्या था. सो ये देखो, एक आध जना जो था मॉर्निंग में वो यहाँ पे खाना मतलब ब्रेकफास्ट खा रहा था. सो ब्रेकफास्ट में यहाँ पर जो ऑप्शंस थे, आपको दो या तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन मिलेंगे वेज फूड में, ठीक है. सो सबसे पहले जो था वो था नान. नान के साथ इन्होंने दाल थी, और उसके साथ सिर्फ दाल और नान नहीं, उसके साथ भी ये ऑप्शंस मतलब रखते हैं, ठीक है. और साथ में ये कुछ फ्राइड इडली और कॉर्न्स थे. तो एक पॉट मील टाइप हो जाता है, और साथ में समोसा. ये समोसा नहीं, यहाँ के लोग इसे समोसी बोलते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा होता है ना, एक छोटा सा सैशे टाइप का होता है. तो छोटा सा समोसा था, बट एक इंडियन के फूड के हिसाब से सफिशिएंट था, कि समोसा हो गया स्टार्टर में, कॉर्न हो गया, और मसाला इडली हो गई, दाल हो गया, नान हो गया, तो सही था. और डेज़र्ट आपको ऑप्शन मिल ही जाता है. डेज़र्ट में भी इनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे, सैलड में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे. सो लेट्स सी अब और ऑप्शंस क्या हैं. ये देखो, यहाँ सारा जो था ये पूरा सैलड ऑप्शन था ड्रेसिंग्स के साथ. सो जैसे बेसिकली होता है अच्छे होटल्स में, इसी तरीके का बूफे होता है, बूफे ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है. और यहाँ पर ये सारे फ्रूट्स और सैलड्स सब एक साथ रखे हुए थे. ऑरेंज था, वाटरमेलन था, और पाइनएप्पल था, और ये चिकन हैम था, और ये आई डोंट नो कुछ सैलड ही था. सो ऑप्शंस काफ़ी थे. डेज़र्ट में क्रोसों था, और कपकेक्स थे, और डानिश पेस्ट्री थी. सो उसमें भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे. और ब्रेड बटर टोस्ट तो रहता ही है. ये देखिए, मफिन्स जो थे वो भी दो फ्लेवर्स के थे, चॉकलेट भी था और रेड वेलवेट भी था. और इसके अलावा आपको चाइनीज़ में भी ऑप्शन मैंने देखे काफ़ी थे. फ्राइड राइस था, नॉर्मल राइस था. ये देखो, जैसे ये नॉर्मल राइस है, और यहाँ पर ये फ्राइड राइस भी थे, और साथ में करी थी. नॉनवेज में टू टाइप्स की करी थी, दो तीन तरीके की करी थी. तो मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूँ, तो आई ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू वेज फूड. तो मेरे लिए मतलब सफिशिएंट ऑप्शन था, मुझे कोई इशू नहीं हुआ. तो जो भी यहाँ से इंडिया से जाना चाहें, वो मलेशिया में फुरामा बुकित बितांग में रह सकते हैं. आपको बूफे ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन अच्छा मिलेगा, प्लस जो लोकेशन है, आपको अगर लंच लेना है, डिनर लेना है बाहर जा कर के, तो वो भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. स्काई सूट्स में हम गए थे, तो वहाँ पर आसपास वेज फूड के ना के बराबर, ना भी नहीं बोलूँगी, बिल्कुल ही ऑप्शंस नहीं थे. सो ये देखो, फ्राइड आलू था, चटनी थी, शेजवान, एग सैलड, एज आई सेड टू टाइप्स ऑफ जूसेस एंड टी, कॉफ़ी, मिल्क, चॉकोज, और सारी चीज़ें, केलॉग्स वगैरह, ये सब था. स्क्रैम्बल्ड एग, बॉइल्ड एग, आप फ्रेश ऑमलेट भी बनवा सकते हो, और टी कॉफ़ी तो ऑब्वियसली होता ही है, बटर ब्रेड टोस्ट, सारी चीज़ें थी. सो ये एक अच्छा मुझे ऑप्शन लगा, आप फुरामा बुकित बितांग को चूज़ कर सकते हो. सो ये मेरा बेसिकली एक मोटिव था, कि इस वीडियो में मैं आपको उनकी फैसिलिटीज़ जैसे पूल वगैरह है, इनका ब्रेकफास्ट, इनके रूम, सब कुछ दिखा सकूँ. तो फुरामा बुकित बितांग से आई एम टोटली सेटिस्फाइड. इंडियंस आँख बंद करके इस प्रॉपर्टी में जा सकते हैं. अरे अंडा डला होता है ना पैटी में, मीठी मीठी वाली. मेरे को तो मेरा कोई बी बी पनीर उसमें खाई नहीं. इसी में तो जैसे कि आप क्या बताने वाले? मैं कुछ नहीं बताने वाली. आज ब्रेकफास्ट वीडियो था. ये मिल्क किसका? आपका नहीं, आपका ही है. नानी के लिए भी कुछ आया था.